नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं राउंड शेप के बारे में। जैसा कि आप ये ऊपर के तीन राउंड शेप देख रहे हैं, इसको तो आप रेगुलर राउंड शेप में यूज़ करते होंगे, और ये नीचे कुछ राउंड शेप बने हुए हैं जैसे त्रिभुज है और स्टार है। इन सब का राउंड शेप आप एक क्लिक में कर सकते हैं। आप राउंड शेप त्रिभुज का इस तरीके से करते होंगे। एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर थ्री टाइप करते हैं, तो इसका मैं कैसे राउंड शेप करूँगा? अगर शेप टूल से हम राउंड शेप कर रहे हैं तो इस तरीके से इफ़ेक्ट आ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल क्यू से इसको कर्व कर देते हैं, उसके बाद एक नोड यहाँ ऐड करते हैं और एक नोड यहाँ ऐड करते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व, और फिर इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से त्रिभुज का हम राउंड शेप बना सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास एक नहीं दस सैकड़ों हो, आप एक क्लिक में राउंड शेप बना सकते हैं। चाहे वो रेक्टेंगल हो या फिर त्रिभुज हो या फिर स्टार हो, किसी का भी एक क्लिक में आप राउंड शेप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू पेज इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। मैं पहले सिंगल पीस इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद विंडो में जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं डकर्स। डकर्स के अंतर्गत आप फ्लेट, स्कॉलप, जम्पर पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है फ्लेट का। फ्लेट जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं प्रीव्यू, यहाँ पर राउंड शेप, जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं राउंड शेप में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार से मैं और रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे एक साथ राउंड, तो एक साथ सभी का कॉर्नर है जो राउंड हो चुका है। इसको हम यहाँ से रेडियस बढ़ा के और राउंड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं रेडियस यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ। टू पॉइंट कर रहे हैं, अब अप्लाई कर रहे हैं इसको, लेकिन ये टू पॉइंट में राउंड नहीं हो रहा है। इसको मैं पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये टू पॉइंट में राउंड हो गया है, क्योंकि एक बार राउंड होने के बाद वो फाइल कर्व हो जाता है, इसलिए उस पर दोबारा अप्लाई नहीं होता है। अब इस पर मैं थ्री पॉइंट अप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम न्यू रेक्टेंगल पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये थ्री पॉइंट में अप्लाई हो जाता है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। अब इसी प्रकार से स्कॉर्लप हम देख लेते हैं, स्कॉर्लप अप्लाई, तो ये अप्लाई हो गया है। लेकिन ये इसको आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ थ्री पॉइंट। अब इसको अप्लाई कर दें तो नहीं हो रहा है। इसको मैं कर दे रहा हूँ वन पॉइंट, जितना मैंने पहले अप्लाई किया था। अब इसको अप्लाई करके हम देखते हैं तो ये अप्लाई हो जा रहा है। तो जितना आप फर्स्ट टाइम रेडियस पर अप्लाई करेंगे उसी शेप में आप इसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है चैम्फर। चैम्फर पर मैंने क्लिक किया और इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन शेप में एक साथ आप कर सकते हैं। इसके भी कुछ सेटिंग है, यहाँ पर हम देख सकते हैं चैम्फर डिस्टेंस, इसमें आप कर दे रहे हैं वन पॉइंट और यहाँ पर भी वन पॉइंट। तो वन इंटू वन पॉइंट में आप देख सकते हैं ये कॉर्नर बदल चुका है। इसी प्रकार से इसको आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम रेक्टेंगल में इमेज सेट करके उसका कॉर्नर राउंड करते हैं। जैसा कि आप कोई वर्क करते हैं तो उसमें आप इमेज लगा लिए इस प्रकार से, और बाद में आपको लगता है कि इसका हमें कॉर्नर राउंड करना है, तो अगर आप शेप टूल से करेंगे तो बारी बारी से करेंगे तो एक जैसा राउंड नहीं कर पाएंगे और समय भी लगेगा। तो मैं पहले इसमें इमेज लगा लेता हूँ,
इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और पावर क्लिप इनसाइड, इसी प्रकार से इसमें इन सभी में मैं फ़ोटो सेट कर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस मैंने 6 बॉक्स में फ़ोटो सेट कर लिया है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सभी को सेलेक्ट करें और फ्लिप में जाएं, यहाँ पर अप्लाई करें तो सभी का जो शेप है वो राउंड में बदल चुका है। इसी प्रकार से हम त्रिभुज, रेक्टेंगल या कोई भी शेप हो उसका राउंड शेप करके हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं एक स्टार बना लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये तुरंत एक ही क्लिक में राउंड शेप में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार फिर से मैं इसी शेप को बनाता हूँ और यहाँ से इसकी संख्या हम बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 10। उसके बाद शेप टूल से इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे और एक बार फिर से अप्लाई कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं राउंड शेप में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार से मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था, इसकी संख्या जो यहाँ से मैं 3 कर लेता हूँ और अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए त्रिभुज भी एक ही क्लिक में आपको राउंड शेप में मिल जाता है। आप कोई भी शेप उठाएं यहाँ से, इसकी संख्या मैं यहाँ कर देता हूँ 1.5, अप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट, इसको भी देख लेते हैं इस तरीके से या फिर चैम्फर इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन का अगर आप पहले प्रयोग किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर नहीं किए हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।